कबीर दुनिया की मति और गति दोनों को बखूबी जानते थे। सच ही तो कहा था उन्होंने कि जो जिस भी रूप में है वो धीरे धीरे ही बदलाव लेगा, चाहे हम उस माली की तरह सौ सौ घड़े पानी एक साथ ही क्यों न डालते। पेड़ तो अपना फल उसके मुकम्मल मौसम के आने पर ही देगा। अननेसेसरी स्पीड, रश एंड अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस आर द कॉजेज फॉर सफरिंग्स एंड सोरोज इन ह्यूमन लाइफ। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई तलाश किसी यात्रा को शुरू करने से खत्म हो जाएगी। एक देखी दिखाई यात्रा अनदेखी अनकही अंतहीन यात्रा में तब्दील हो जाएगी, जिस राह पर मेरे जैसे और भी कई मुसाफिर होंगे जिनका राबता अपने रब से होगा। समय की छूटी मखमली रेत पर जिनके पैरों के निशान कहीं ज्यादा गहराएंगे। कबीर यात्रा इस बार 3 अक्टूबर को जयपुर से स्टार्ट हुई और ये यात्रा एक बस से स्टार्ट हुई। हम लोग सभी एक बस के अंदर चढ़े। हमने देखा कि वहाँ पर हमारे अलावा और भी लोग हैं। एक इंदौर के कुछ हमारे साथी थे जो म्यूज़िक से रिलेटेड थे, उससे रابطہ रखते थे। उन्होंने बस में बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया, हमारे साथ में गाने गाए, हमारे साथ में फोक म्यूज़िक पर उन्होंने गाने गाए और हमारा सफ़र म्यूज़िकल एक तरीके से बोला जाए तो संगीतमय हमारा सफ़र हो गया। ये पिछले 4 साल से हम लोग यात्रा राजस्थान कबीर यात्रा के नाम से कर रहे हैं और इस पूरे आयोजन का मकसद है कि हम इस राजस्थान की जो पूरी वाणी परंपरा है, जो सत्संग परंपरा है जिससे हम सब लोग जानते हैं, जो यहाँ पे सत्संग होती है कबीर के भजनों की, मीरा के भजनों की, और महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, आप लोग हरजस करते हैं रोज सुबह और शाम। हमारे यहाँ पे जो बाहर से आए उनको बता दूँ, हमारे यहाँ 2 तरह की परंपराएं हैं, एक है सत्संग की परंपरा और एक है हरजस की परंपरा। हरजस की परंपरा मंदिर और घरों तक पहुंची हुई है। इफ आई टॉक अबाउट जर्नी, 7 places, 50 आर्टिस्ट एंड 500 यात्रीज विद यू। आप सोचिए कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, इतने सारे लोग अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, और जब आप कबीर वाणी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग वाइब है। शायद उस वाइब को इस कैमरे पे मैं बता नहीं पाऊँगी। वो वाइब वहाँ पर आपको जो पॉजिटिविटी देती है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और अभी भी इट्स माई गूज बम्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कबीर यात्रा बिकॉज इट रियली बिलोंग्स टू माई हार्ट। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सर गुस्सैया, कोई सर गुस्सैया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए,
कबीर यात्रा में हमारी शुरुआत जयपुर से हुई। जयपुर का जवाहर कला केंद्र, जो कि मेरे लिए पहले से नोन था, मैंने वहाँ पर थिएटर परफॉर्मेंस भी किया हुआ है, और वहाँ पर जाकर देखा कि पूरे जगह से, यानी कि पूरी दुनिया से अलग अलग तरह के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग फील्ड के लोग इकट्ठा हुए हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में शेयर कर रहे हैं, और सभी में उत्साह है यात्रा के शुरू होने का। और हम भी जो लोग सारे गए थे वो भी सभी से बातें कर रहे थे, हम में भी एक उत्साह था कि नेक्स्ट हम जहाँ जाने वाले हैं वो हमारा स्टॉप सीकर था। फल फूल खा दे इस वृक्ष के, फल फूल खा दे इस वृक्ष के, और भीट पड़े हैं पात। उड़ना हमारा धर्म नहीं, जलना इस वृक्ष के साथ। हे मारी हेली लाइक एक डरावना लगता है उन्हें शुरुआत में, मुझे भी लगा था क्योंकि मैं भी एक बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो मुझे ऐसा लगा था इतने सारे लोग होंगे कैसे चलेगा। लेकिन वहाँ जाके जब आप एक बार खुलते हो, जो आप नाचते हो, लोग आपको देखते हैं वो भी नाच रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, कोई कैसे नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, सब बस नाच रहे हैं खुल के दिल से, जो दिल में आ रहा है बिल्कुल। तो वही जो एक्सपीरियंस है, मतलब आप वहाँ के लोगों से बात कीजिए, वहाँ बहुत तरीके के लोग आते हैं, इंट्रोवर्ट भी होंगे एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, लेकिन आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं किसी को, या फिर आप किसी से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। सब बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और उनसे आप बहुत खुल के बात कर सकते हैं। अच्छी जगह जो मुझे लगी पूरे कबीर यात्रा के सफ़र में, वो एक गांव है सीकर से थोड़ा सा आगे, गांव का नाम है धुंधलोद। जब मुझे ये पता चला कि धुंधलोद गांव हमारे राजस्थान का हेरिटेज विलेज है, उस गांव के जो हेरिटेज हवेलियां थी, जो वहां की कलाकृतियां थी, जो वहां के घर बने हुए थे, और वहां के लोग, उससे अच्छी बात तो वहां के लोग अपने गाँव से कितना प्यार करते हैं वो हमने जाना। वहाँ की हवेलियाँ हमने देखी जो कि बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि हमारा असली राजस्थान जिस चीज़ को दर्शाता है वो चीज़ें हमने देखी। बीइंग अ राजस्थानी, मैंने राजस्थान को कभी उस लेवल पे एक्सप्लोर ही नहीं किया, और कबीर यात्रा ने एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया, या उनका जो एक यात्रा थी उसमें राजस्थान को एक, मतलब यू नो, एक अलग ही नज़रिए से देखने को मिला। आई वाज लाइक वाओ, मतलब आई डिडंट नो दैट राजस्थान इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग। Yeah, no.
वेंट टू ढुंडलौर, फतेहपुर, रामपुर. अमेजिंग, इनक्रेडिबल. आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग. जब हम उस जगह पर गए, हम सिर्फ ऐसे देख रहे थे कि ये कहाँ गए हम, ये कब था इस दुनिया में. इतनी खूबसूरत हवेलियाँ, इतनी खूबसूरत आर्किटेक्चर. आई मीन वी आर जस्ट यू नो लॉस्ट विद द पीपल, विद द लॉस्ट ऑफ द प्लेसेस समटाइम्स. तू अपना मूल तू क्यों नहीं जाना रे. अरे अपना मूल तू क्यों नहीं जाना रे मनवारे. तू क्यों फेरत भुलाना मनवारे. यात्रा शुरू हुई थी तो एक नॉर्मल यात्रा लग रही थी कि घूमने जा रहे हैं, ठीक है 7 दिन घूमने जा रहे हैं. लेकिन वो एक जो पूरा माइंड ही बदल गया, लाइक घूमना तो एक प्रायोरिटी अलग ही चली गई, वो कोई प्रायोरिटी नहीं रही. मैंने शायद घूमा भी नहीं है, मैंने शायद सोया नहीं है ढंग से, क्योंकि रात के 4-4 बजे तक म्यूज़िक गाना और वो जो एनर्जी थी वो पता नहीं कहाँ से आ रही, वो कहीं और से एनर्जी आ रही थी. रात को नाच रहे हैं, 4 बजे गा रहे हैं, फिर 7-8-9 बजे उठ रहे हैं सुबह, फिर वापस लग जा रहे हैं सत्संग में. तो वो जो 7 दिन की जो एनर्जी थी वो म्यूज़िक से आई, वो इन लोगों से आई. और वो जब ख़त्म हुई तब भी ऐसा नहीं लगा कि अरे, तब भी वो एनर्जी अभी भी है कि हाँ उन लोगों ने जो देखे गए. और वो अभी भी मैं रेडी हूँ, कोई अभी बोले कबीर के भजन कहीं तो मैं अभी भी रेडी हूँ. So many things, I think, because it's very, I think Kabir speaks a very universal language for me, which is, मतलब जो हर इंसान के लिए है. तो बहुत मेरे लिए काफ़ी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कबीर यात्रा, और काफ़ी इंटेंस था. जो शहरी इंसान होता है उसके लिए वो सब चीज़ें नहीं हैं. गाँवों में जाना और देखना वो बहुत यूनिक था एक्सपीरियंस. एक तो जो हमारा स्वागत हुआ करता था हमेशा, स्वागत बहुत ही लाइक ऐसा स्वागत आपको नहीं देखने मिलता है. और वो क्यों है स्वागत, वहाँ के लोग एक जश्न है कबीर यात्रा. कल्चरल प्रोग्राम है, इट इज़ कम्प्लीटली यू नो बिलोंग टू द ह्यूमैनिटी. जो कबीर का एक मकसद था कि इंसानियत को जिंदा रखना, कबीर यात्रा बहुत हद तक इंसानियत को डेडिकेटेड थी, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कबीर यात्रा. साल भर पहले यही जगह थी, पुलिस का वाटर कैनन यहाँ पे उछाल दो पक्षियों को दूर करने के लिए कर रहा था. आज मुझे खुशी है कि मैंने अपना वाटर कैनन भेजा और इस पीपल के पेड़ को धोया उससे. और जिस बैंड बाजे के साथ आपने कबीर यात्रियों का स्वागत किया है दोनों पक्षों ने,
ऐसा लगता ही नहीं कि श्री डूंगरगढ़ में वो हादसा भी घटा था एक साथ। सो द पुलिस इज द फोर्स स्टैंडिंग बिटवीन सिविलाइजेशन एंड क्योस, एंड आई थिंक इफ यू आर प्रमोटिंग अ सिविलाइजेशन कल्चर विच इज पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, आई थिंक पुलिस हियर इज गोइंग डूइंग अ रीजनेबली गुड जॉब। यात्रा में जो एक सबसे अच्छा मुझे पॉइंट लगा वो ये है कि कबीर यात्रा ने अपने साथ में म्यूज़िक को जोड़ा हुआ है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जानते हैं, वो हमारे अंदर की सोल को एक किसी चीज़ से जोड़ता है या हमारे विचारों को किसी और के विचार से जोड़ता है बिना किसी नेगेटिविटी के। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सी पॉजिटिविटी देता है। कबीर यात्रा ने ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे कल्चरल म्यूजिक को अपने साथ में जोड़ा। आई थिंक मेरे लिए कबीर यात्रा क्या था, आई थिंक इट वॉज कनेक्टिंग विद पीपल, बिकॉज जनरली मैंने ये देखा है कि जो भी मैं काम करती हूँ या कबीर यात्रा से पहले जो भी मेरी जर्नी रही थी, तो उसमें से आई यूज टू क्रेव फॉर क्रिएटिव पीपल, यू नो, पीपल लाइक मी, जिस जो मेरी चीज़ें समझ सके, मेरा काम समझ सके या जिनसे मैं बात कर सकूँ। आई यूज टू क्रेव फॉर फ्रेंडशिप, यू नो, लाइक मीनिंगफुल थिंग्स। तो आई थिंक कबीर यात्रा गेव मी दैट, बिकॉज वहाँ जाके व्हेन आई थिंक आई हैव मेट अमेजिंग पीपल देयर और बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ काफ़ी सारे लोगों से। ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में कभी मैं नहीं मानता किसी को भी हुआ है अगर वो नहीं गया है कबीर यात्रा में। वहाँ का म्यूज़िक, सबसे पहली बात तो म्यूज़िक जो है, आपने चाहे ना ही सुना हो फोक म्यूज़िक, लेकिन वो आपके दिल के थ्रू जाता है बिल्कुल। कलाकार जो थे वहाँ पर, जिन्हें हम हर शाम को हर सुबह एक स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते थे, वो दिन में भी हमारे साथ ही रहते थे, वो सफ़र भी हमारे साथ ही करते थे। हम जिस बस में हैं वो भी उसी बस में रहते थे। जो गए होंगे उन सबको भी पता होगा या जो यात्रा को जानते हैं उनको भी पता होगा, कबीर यात्रा का मेन जो इंटेंट है, उनका जो असल मकसद है एक, वो ये है कि लोगों में एकता को लाना, लोगों में सौहार्द को लाना। जिस तरह से आजकल की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के व्यूज़ नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, कबीर यात्रा एक ऐसी चीज़ है वो हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से हम अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जगह के लोग एक साथ मिलकर भी कुछ वक्त बिता सकते हैं या ज़्यादा वक्त भी बिता सकते हैं अगर हम चाहें, हमारी इच्छा शक्ति।